बचपन में तो हम सो कॉल्ड कवर्स बजाया करते थे। कवर्स मतलब आप दूसरों के गाने हों, जैसे डीप पर्पल का गाना हुआ, या यू नो बैड कंपनी का गाना हुआ, डायर स्ट्रेट का गाना हुआ, ये सारे जो बैंड्स थे उनका हम उनकी कॉपी किया करते थे, तो उनके गाने बजाते थे, दैट इज़ कॉल्ड कवर्स। फिर उसके बाद जो जब अपनी अपना क्रिएटिव माइंड जो था वो कुछ ज़्यादा काम करने लगा, अपने अपने गाने खुद बनाए, तो फिर दिमाग में आया कि यू नो अब एक अपना एक बैंड हो जो अपने ही गाने बजाए। तो लोगों को अलग अलग जो बहुत क्रिएटिव माइंड्स थे उनको इकट्ठा किया, हम यंग लड़के थे, तो हमने एक बैंड बनाया, तो उसका नाम रखा हमने वाइकिंग्स। वाइकिंग्स जो है वो उसमें मेरी आइडेंटिटी कहीं नहीं है, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और यू नो पहले तो चल गया किसी ना किसी तरीके से, और बाकी जो जितने भी लोग थे वो स्वीडिश थे और वो वाइकिंग्स कहा जाता उन लोगों को। तो मैंने कुछ फिर एक साल बाद मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कहा देखिए कि मैं तो वाइकिंग नहीं हूँ, तो आई थिंक बीइंग द लीडर ऑफ द बैंड मुझे ये आपको अलाउ करना चाहिए कि मैं इसका नाम बदलूँ। तो करते कराते बॉम्बे नाम आया दिमाग में, ज़रूर हम उसके मुंबई कहते हैं, पर ये जब मैंने नाम बनाया था तब तब उसे बॉम्बे के नाम से ही ये जगह जानी जाती थी। तो इस तरह से फिर उसको बॉम्बे वाइकिंग कहना शुरू कर दिया। फिर वी प्लेड इन लॉट ऑफ प्लेसेस, यूरोप में बहुत जगह हमने कॉन्सर्ट्स किए, बड़े बड़े शोज़ किए, और बड़ी हिम्मत वाली बात है कि ऐसे दूसरी दूसरे देशों में जाके आप शोज़ करें और वो भी आपके अपने गाने हों। मुश्किल काम था, हालांकि हमारी कोई एल्बम रिलीज़ नहीं हुई थी, कुछ नहीं था, बट स्टिल वी यूज़ टू गेट वर्क। हमें लोग बुलाते थे, दूर 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 देशों से बुलाते थे और हम वहाँ जाके परफॉर्म करते थे। सो दिस इज़ हाउ ये बॉम्बे वाइकिंग्स नाम इस तरह से इजाद हुआ। बॉम्बे वाइकिंग्स के नाम पे मैंने बहुत दूर दराज देशों तक का सफ़र किया है, और जहाँ मैंने सोचा नहीं था कि कभी जाऊँगा, कभी उस देश में कदम रखूँगा, वहाँ भी गया हूँ। और सिर्फ इस गाने की वजह से, इस गाने ने मुझे बहुत दुनिया दिखाई है, बहुत 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 दुनिया दिखाई है। और यहाँ तक कि जब मैं साउथ अफ्रीका में शो करता हूँ, तो अब वहाँ पे सिर्फ जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं, जो किसी ना किसी तरीके से भारतीय हैं, वही नहीं जो वहाँ के वैसे ब्लैक पीपल यू कॉल देम, वहाँ के लोग भी और वाइट्स भी, सभी लोग मेरा शो देखने आते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया इस गाने के लिए। दो शी ट्राइज बट शी कैन हाइड ऑल हर जॉय रैप्ड अप इनसाइड, शी कैन वेट टू रिवील एंड टेल यू हाउ शी फील्स, वेल दिस टाइम इट फील्स सो राइट, देयर विल बी नो मोर लोनसम नाइट्स, गुड टाइम्स आर हियर टू स्टे, लव विल शाइन ऑन एवरी डे, वो चली शी इज फाउंड द लव दैट्स रियल, नाउ हर वाउंडेड हार्ट इज हील्ड, फाइनली फाइनली वो चली लीविंग ऑल हर टीयर्स बिहाइंड, ओनली लव्स ऑन हर माइंड, फाइनली फाइनली। भूल भुलैया गाना बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी वजह से आई थिंक इट उसने मुझे काफ़ी पुश दिया, बहुत सॉलिड जो पुश था, जो वो मुझे मेरा फिल्म इंडस्ट्री में वो भूल भुलैया ही था, और उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में आई कीप लुकिंग फॉर यू बेबी, तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेज, दिल में तू रहती है बेताबी कहती है, I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram.